अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में चैप्टर वन का एक पार्ट आपको मैंने प्रोडक्शन का रिकॉर्ड करा दिया था। अब उसमें चैप्टर वन की एक्सरसाइज 1.1 उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर वन है एक्सरसाइज 1.1 का, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। पहला है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। पहले 2 से बड़े और 6 से छोटे नंबर 3, 4, 5, ये तीन नंबर हैं वो टेबुलर फॉर्म में आ गए। इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म आएगी, उसमें ये उसके लिखने का मेथड है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर की सिंबल है, एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड एक्स इज़ लेस दैन 6। इसको रीड आउट एक्स से ही करना है, एक्स ग्रेटर दैन 2, एक्स लेस दैन 6, ठीक है। पार्ट वन हो गया। पार्ट टू में है पॉजिटिव नंबर्स का सेट है जो 20 से लेस है और जो 5 से डिविजिबल है। टेबलर फॉर्म में आ गई 5, 10, 15, ये 20 से लेस हैं और 20 से लेस है और जो 5 से डिविजिबल है। इसकी टेबलर फॉर्म बनेगी सेट ऑफ एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स इज़ डिविजिबल बाई 5 एंड लेस दैन 20। सी पार्ट में है नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, 4 और 12 के बीच में 5 से लेकर 11 तक सारे नंबर आ गए। और सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सेट ऑफ एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 4 एंड लेस दैन 12। सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, पहले 6 नंबर हैं। फिर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म सेट ऑफ एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड एक्स लेस दैन एंड इक्वल टू 13। पी के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पॉजिटिव प्राइम नंबर कहा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट, यानी कौन कौन से नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो बताना है आपने। ये आपके सामने जो एक सेट बिल्डर फॉर्म आई है उसमें एक ऐसा सेट लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है और ए से पहले आता है, तो कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो ए से पहले आता है, इसका मतलब कि एम्प्टी सेट है। फिर दूसरे नंबर पर ये एक आपके सामने लिखा हुआ है सेट ऑफ एक्स इज दैट एक्स प्लस 5 इजिकल टू 5, यानी एक ऐसा एक्स का सेट जो 5 में प्लस हो दोबारा 5 बनाए। तो 0 एक नंबर होता है जो किसी भी नंबर में प्लस होता है तो उसको दोबारा वही आंसर आता है, इसका मतलब इसमें एक 0 नंबर मौजूद है। तो ये सब सेट, ये जो सेट है ये नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट। सी पार्ट में 7 से लेस देन एक नंबर है और ग्रेटर देन नंबर है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एट अ टाइम 7 से लेस भी हो और ग्रेटर भी हो, सो दिस इज एम्प्टी सेट। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट जो वुमेन था, कोई भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात की गई है, तो इसलिए एम्प्टी सेट। क्वेश्चन 3, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, बिल्कुल इजी है। मंथ ऑफ अ ईयर फाइनाइट, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं। डेज इन अ ईयर काउंटेबल हैं, फाइनाइट। स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास काउंटेबल हैं, फाइनाइट। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, इसकी एंड हमें नहीं पता कहाँ पर एंड हो रहा है, तो काउंटेबल नहीं है ये, इनफाइनाइट। इसी तरह से लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से जो लाइंस गुजरती हैं वो बहुत सारी होती हैं, इसलिए इनफाइनाइट है। लाइंस थ्रू द टू पॉइंट्स से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, इसलिए फाइनाइट है। ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट क्योंकि काउंटेबल नहीं है। टाइप्स ऑफ सबसेट, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले हम सबसेट को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं हम। 1, 2, 3 एक सेट ए है, उसको हम सारे के सारे सबसेट फाइंड करते हैं और उसमें फिर देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। सबसेट फाइंड करने के लिए पहले तो हमें एक पता करना पड़ेगा कितने सबसेट बनेंगे। 2 to the power n, 2 का क्यूब, n मतलब उसमें सेट में कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो 2 to the power 3 आ गई, 2, 2, 2 multiply over 8 आ गया, तो 8 सबसेट बनेंगे इसके। सबसेट बनाने का रूल है कि सबसे पहले नल सेट बनाया जाता है, फिर उसमें जो जो नंबर होते हैं सबको 1 by 1 सिंगल सिंगल करके एक सेट बनाया जाता है, फिर 2, 2 करके एक सेट बनाते हैं, 1, 2, 1, 3, फिर 3, 3, 2, 2 में 1, 2, 1, 3 बना, फिर 2, 3 बना, और उसके बाद हम 1, 2, 3, तो ये 8 सबसेट होंगे। इन 8 सबसेट में से हमने समझना ये है कि कौन सा प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है। ऑल सबसेट एक्सेप्ट लास्ट वन, 1, 2, 3, इन सब के अलावा, लास्ट वन के अलावा बाकी सारे के सारे जो है वो प्रॉपर सबसेट है। इट मीन्स दैट लास्ट वन जो है वो
इम्प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि उसका सुपर सेट के साथ कोई ना कोई डिफरेंस लाजमी होना चाहिए, कोई ना कोई वन एलिमेंट, टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग हो तो उसको प्रॉपर कहते हैं, और अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है तो उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे ये लास्ट वन है 1 2 3, ये सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। तब क्वेश्चन 4 पर आते हैं। ये क्वेश्चन में एस आपको दिया हुआ है और फाइंड करने को ये कह रहे हैं कि फाइंड सबसेट्स ऑफ सेट एस दैट आर ऑल्सो सबसेट्स ऑफ ए, वेयर ए एक्स जेड एक्स एक्स जेड इंटीजर लेस देन 3। अब मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म से मैंने जो है वो टेबलर फॉर्म बना दी है। एस में है 1 2 3 और आगे सारे के सारे नंबर, ए में है 3 से लेस इंटीजर्स, इंटीजर्स में प्लस वाले भी नंबर भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं, तो 3 से लेस है 2, फिर है 1, फिर है 0, फिर -1, फिर -2 एंड सो ऑन, आगे सारे के सारे नंबर इसके अंदर आएंगे। तो अब क्वेश्चन को देखें, फाइंड प्रॉपर सबसेट एस, एस का प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। हम फाइंड कर रहे हैं, देखें नल सेट, तो नल सेट तो हर एक का सबसेट होता है, फिर आया 1, फिर आया 2, फिर आया 1 2, फिर आया 1 2 3। अब इसको समझ लें, आप देखें 1 जो है वो एस का भी सबसेट है और ए का भी है, 2 जो है वो एस का भी है और ए का भी है, 1 2 एस का भी है ए का भी है, 1 2 3 एस का है लेकिन ए का नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए का भी सबसेट होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये जो लास्ट वाला है ये आपके आंसर में शामिल नहीं होगा, बस ये पहले 4 सेट जो है वो आपके आंसर में शामिल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि वो एस के भी प्रॉपर सबसेट हों और ए के भी सबसेट होने चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, ए के सारे के सारे क्या करने हैं, प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं ए पार्ट में। हम ए पार्ट करते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए नल सेट सारे के सारे, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, फिर 2 2 एलिमेंट ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी, 2 2 एलिमेंट होंगे, फिर 3 3 एलिमेंट ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, 3 3 एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, फिर 4 4 एलिमेंट आएंगे जो कि प्रॉपर सबसेट में नहीं होता, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, यहाँ बनाए ए बी सी डी। तो प्रॉपर सबसेट सारे के सारे अपने बनाए, वो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। देखें एटलीस्ट 1 एलिमेंट का डिफरेंस होना चाहिए सुपर सेट के साथ, और जो इम्प्रॉपर होता है वो सारे का सारा सेम होता है सुपर सेट के साथ। अब ये सी पार्ट है, बी और सी आपको ऐसे सेट बनाने हैं जो बी और सी दैट आर सबसेट ऑफ ए, ए के सबसेट होने हैं लेकिन बी सी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। देखें बी सी का प्रॉपर सबसेट है, पहले तो देखें बी और सी दोनों ए में से, ए के सबसेट्स में से निकाले हैं ये, और फिर जो बी है ए डी क्या वो सी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि उसका एटलीस्ट 1 एलिमेंट का डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह डी में 2 सेट बनाने हैं बी और सी जो ए के सबसेट हो, लेकिन कंडीशन ये है कि बी सी का सबसेट होना चाहिए। तो ये हमने वही कॉपी पेस्ट कर दी है इसमें, तो आप इसके अलावा भी कोई बना सकते हैं। पहले वाले सी पार्ट में प्रॉपर सबसेट कंडीशन है, डी पार्ट में सिर्फ सबसेट की है, यानी जो बी है वो सी का बनाना है छोटा, ठीक है। अब सी में अगर सी पार्ट में हम देखें तो बी की जगह पर ए मैंने अब रखा ए डी, आप ए भी रख सकते हैं, आप बी डी रख सकते हैं, और जस्ट ए, जस्ट बी, जस्ट डी या नल सेट भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से डी पार्ट में भी इसी तरह की सारी एग्जांपल्स आप रख सकते हैं। तो सी और डी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि सी पार्ट में जो है वो बी जो है वो लाजमी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, यानी सी पार्ट में जो बी का सेट है वो ए बी डी नहीं हो सकता, जबकि डी पार्ट में बी का जो सेट है कुछ भी बनाएं लेकिन उसमें ए बी डी भी लिख सकते हैं क्योंकि सबसेट है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 6, ए के सारे सबसेट पर बनाने हैं और फिर ये बताने हैं कि पी ए में कितने नंबर होंगे, पी ए में पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सबसेट हम निकालते हैं, वही है बिल्कुल सेम ए बी सी डी का, ए बी सब सारे सिंगल सिंगल आ गए, डबल डबल आ गए, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी, फिर सी डी, फिर 3 3 ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, 3 3 हो गए, 4 4, तो ये 16 सबसेट बन गए इसके। अब पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ये सारे के सारे जो सबसेट हैं यही पावर सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड करने का वही तरीका है कि नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड कर लें, 2 टू दी पावर 4,
फोर का मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं, चार, तो टू की पावर फोर लगाइए, उसको सॉल्व करेंगे हम, टू को टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, ये 8 की जगह पर 16 आएगा। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कर देता हूँ, 8 की जगह पर 16 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। जी हाँ है, अगर है, इफ़ येस देन स्पेसिफाई। आंसर आएगा येस, इट इज़ अ नल सेट। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का है, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका एक प्रॉपर सबसेट होता है। येस, इट इज़ अ सिंगलटन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, वो सेट जो है उसका प्रॉपर सबसेट बनेगा, तो वो एक ही बनेगा, 1। एन ए में 10 है, देन फाइंड करना है पी ए में कितने नंबर होंगे, पावर सेट ऑफ ए में। तो यही क्वेश्चन है जो पीछे गुजरा है, सबसेट फाइंड करेंगे हम, यानी नंबर ऑफ पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सबसेट होते हैं। 2 to the power n, n की जगह पर 10 लगा और इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 1024। 10 में ये है कि यूज़ बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करके किसी एक नल सेट की एग्जांपल देनी है, तो इसके लिए आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हेल्प के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें नल सेट की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि एक सेट है ए, और इसमें आपको बी एक प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है ए का, और फिर सी एक प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है बी का, और डी आपको सबसेट प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है सी का। तो पहले आप बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे। देखें, मैंने आपको आपके सामने एक सबसेट लिख दिया बी जो ए का है 1 to 3, फिर ये भी 1 to b इस ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, 1 b है और 1 3 4 भी है, ठीक है। अब सी निकालना है बी का, तो मैंने 1 2 लिख दिया, ठीक है। इसके लिए आपको ये वाला ये सेट अगर यूज़ करेंगे तो ये आपके पास 1 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सेट यूज़ करेंगे तो ये यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला सेट भी यूज़ करेंगे तो ये यूज़ नहीं कर सकते, ये सेट भी यूज़ करेंगे तब भी ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये सिर्फ इसकी एग्जांपल से आप इसको कर सकते हैं। अगर ये यूज़ करेंगे तो फिर इसके लिए कोई और सेट लिखना पड़ेगा, जिसमें 1 3 या 1 4 या 3 4 लिख सकते हैं आप। डी सी का प्रॉपर सबसेट है, सी ये वाला, इसका डी जो है प्रॉपर सबसेट है, 1, ठीक है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट सेट्स, ए और बी इक्विवेलेंट है या नहीं बताना है। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपको पढ़ी हुई है पीछे, क्या पढ़ा था कि जब दो सेट हों उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उन्हें इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का सिंबल है, सिमिलर की साइन यूज होती है। फिर ये दो सेट आपके सामने आए हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं हो गए। क्रॉस लगा देंगे इक्विवेलेंट साइन के ऊपर, नॉट